हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल से आपको पता लग गया होगा, आज का वीडियो होने वाला है अबाउट मीशो बैग हॉल, और उसके साथ ही एक चैलेंज वीडियो भी है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे चैलेंज दिया था कि मुझे हेड टाल बांध के एक वीडियो बनानी है, लॉन्ग वीडियो या फिर गेट रेडी विथ मी कोई हॉल, कोई भी एक वीडियो बनानी है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं गेट रेडी विथ मी कर लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि एक हॉल करते हैं तो एक प्रॉपर चैलेंज हो जाएगा। तो पहले उसने बोला था कि एक पब्लिक में चैलेंज करो ये वाला, तो मैंने बोला कि आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं पब्लिकली जाके ऐसे कोई भी वीडियो शूट करूँ। तो फिर उसने बोला कि घर पर आप कर सकते हो, तो मुझे ये बेस्ट लगा एंड इंटरेस्टिंग भी लगा। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। So if you are new to my channel, please take a moment and subscribe to my channel. Also like this video if you like the video. Also share this video with your family and friends. तो मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है, तो गर्मी लग रही है, गर्मी फिर से आ गई है, तो स्वेट होगा थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड ये हेयर टाल भी मीशो से ही है। एंड आज का जो बैग हॉल होने वाला है उसका रेंज मैं लिख दूँगी कहाँ से कहाँ तक का है। वैसे मेरे हिसाब से ये अंडर 300 या 400 रुपीज़ है, 500 का कोई भी बैग नहीं है। एंड सभी अफोर्डेबल या चीप कैटेगरी में आएंगे, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। एंड या अब वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड लिंक्स या कोड होगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो फर्स्ट बैग है हमारे पास ये फेक बैग ऑफ गुची। तो इसमें जो स्ट्रैप्स है वो गुची के हैं, एंड ये थोड़ा सा एलवी से कॉपी किया गया है, एंड लोगो जो है वो पराठा का है। तो आई डोंट नो ये किसका कॉपी है, तीनों की ये मल्टीपल कॉपी है। सो इस तरह का कुछ दिखता है, तो लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, एंड ये एक लग्जरी बैग लग रहा है, हालांकि बहुत ही अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से एक गोल्डन लोगो है पराडा का, एंड फिर यहाँ पे ये स्ट्रैप वाला इफेक्ट है, एंड ये प्रिंट्स हैं। देखने में बहुत ही लक्स एंड अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। तो ज़िप है गोल्डन कलर की, तो एंड ये पूरा स्ट्रैप है। सो इसको ये स्लिंग बैग है, इसको यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे हमें, एंड इसके अंदर भी अच्छा सा एक मटेरियल है, कॉटन पॉली कॉटन टाइप का मटेरियल, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत सारा आपका सामान आ जाएगा इसमें। एंड या इसमें भी ऐसे दो कंपार्टमेंट्स हैं, एंड फिर एक साइड चेन है, तो स्पेस तो बहुत ज़्यादा है। एंड क्वालिटी आई वुड से प्राइस के हिसाब से ठीक है, बिकॉज इसका लुक काफ़ी प्रीमियम टाइप का है, तो उस हिसाब से ठीक है। बट देख सकते हो आप चेन ऐसे अंदर घुस जाती है बार बार ये। सो हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लुक वाइज ही अच्छा है एंड क्वालिटी भी डिसेंट है। सो इसका जो अभी ये 300 समथिंग में मिल रहा है, मैंने इसको 244 रुपीज़ का लिया था, मुझे याद है उस टाइम सेल चल रही थी। सो या उस हिसाब से बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो अगर आपको यू नो थोड़ा सा लग्जरी कॉपी वाला बैग चाहिए तो, जो देखने में अच्छा लगे एंड अफोर्डेबल भी हो। सो या यू कैन गो फॉर दिस। सो मेन रीज़न है कि जो लॉन्ग वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एसी नहीं है मेरे पास, एंड बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, पूरा यू नो जो भी मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया होता है सब धुल जाता है। सो बहुत प्रॉब्लम होती है बनाने में, बट एनी वेज हम लोग बनाना है आज वीडियो। सो सेकेंड बैग है ये बेसिक ब्लैक बैग, ये भी अगेन 200 समथिंग का था, तो उसके हिसाब से क्वालिटी ठीक है, आप देख सकते हो स्टिचिंग, तो इस तरह की स्टिचिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पे एक बैच टैप का मिल जाता है। तो ये एक हैंड बैग है, एंड इसमें हमें तीन कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, तो चेन काफ़ी अच्छे से स्मूथली खुल जाती है। एंड ओ यहाँ पे मेरा कॉइन गिर गया है। तो ये कार्डबोर्ड वाला बैग है, यहाँ पे दो पूरे बैग में कार्डबोर्ड लगा हुआ है, बस यहाँ पे लेदर स्ट्रैप्स हैं, एंड साइड में इस तरह का तो फ्रंट कंपार्टमेंट है, यहाँ पे भी बहुत सारा यहाँ पे कार्ड्स आ सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत सामान जो हमें इमरजेंसी में चाहिए होता है वो, ये भी कार्डबोर्ड है। सो डेली के लिए अगर आपको सिंपल एक बैग चाहिए हैंड बैग, तो ये ले सकते हो।
एंड हाँ, अंदर भी कंपार्टमेंट है एक कॉइन्स रखने के लिए, या तो पूरा कार्डबोर्ड का ही बैग है ये। तो पता नहीं कितने दिन चलेगा, अभी तो काफ़ी दिन से चल रहा है ये, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो अगर आपकी मम्मा लेती हैं दीदी के लिए बैग तो वो ले सकती हैं, ये काफ़ी सही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट बैग है ये वाइट कलर का बैग, ये काफ़ी सारे लोगों ने लिया था और थोड़ा सा वायरल भी हुआ था। तो ये है, इसमें थोड़ी सी रबड़ी स्मेल आ रही है, जो रबर की स्मेल होती है वो। तो इस ये एक सिंपल बैग है फॉर डेली वेयर, सिर्फ एक सिंगल कंपार्टमेंट है एंड स्टिचिंग वगैरह ठीक ठाक है, बिकॉज ये सिर्फ 110 रुपये का बैग है। 110 रुपये में मैंने लिया था, तो इसका वही रेंज है 110-124 के रेंज वाला है, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। हाँ, बट जैसा दिखाया है वैसा नहीं दिया, यहाँ पे एक लोगो था जो कि मिसिंग है, एंड ये जो बकल है वो भी कोई और था, एंड ये स्ट्रैप जैसे दिखाई थी वैसी ही है, एडजस्टेबल वाली। बाकी ठीक है, रिटर्न हमने नहीं किया क्योंकि थोड़े बहुत से चेंजेस थे तो उसके लिए। बाकी आप क्लोज़अप देख सकते हो। सो थोड़ा बहुत शाइनिंग मटेरियल है एंड ये प्रिंट है। सो ये स्लिंग बैग है, इसको आप शोल्डर बैग भी बना सकते हो छोटा करके, तो या ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट बैग है वो भी वाइट वाले की तरह ही है, तो दोनों के सेलर्स अलग हैं बट सेम बैग है एग्जैक्टली। तो इसमें भी जो दिखाया था वो नहीं दिया है, यहाँ पे एक लेबल था वो नहीं है, जिस गोल्डन कलर का, एंड एडजस्टेबल स्ट्रैप थे तो वो भी नहीं है, एंड यहाँ पे बकल था अटैच्ड वो भी नहीं है। तो बहुत ही बेसिक बैग है, मम्मी को चाहिए था इसलिए, एक सिंगल कंपार्टमेंट है। स्टिचिंग वगैरह ठीक है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, ये भी 114 रुपीज़ का था, सो उस हिसाब से ठीक है, डिसेंट है। इसमें भी सेम प्रिंट है। ओके, अब तक तो मैंने आपको बेसिक बैग दिखाया, जो अभी नेक्स्ट बैग है वो एक कलरफुल बैग है, एंड ये थोड़ा सा जूट मटेरियल वाला है, एंड एक बोहो बैग है मैं बोल सकती हूँ इसको। आप ऑल ब्लैक आउटफिट या ऑल वाइट आउटफिट के साथ लोगे तो बहुत ही अच्छा स्टैंड आउट पीस लगेगा। इसमें यह ऐसा टैसल लगा हुआ है, सो यू कैन सी ये जूट मटेरियल है, यहाँ पे एक टैसल लगा है, एंड जैसा दिखाया था वैसा ही रिसीव हुआ है। अंदर हमें दो चेन मिल जाती है, एंड यहाँ पे ये लॉक है। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बैग है, इसको ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें सेम वही मटेरियल है, कॉटन, पॉली कॉटन टाइप का, तो दो कंपार्टमेंट है तो अलग अलग सामान रख सकते हैं, एंड साथ ही के साथ साइड चेन भी है, बैक चेन जो बोलो आप, उसमें भी सेम मटेरियल लगा है। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग लग रहा है, ये कुछ 300 या 350 के रेंज में था, तो उस हिसाब से बहुत ही सही है, एंड यहाँ पे एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं। सो इस तरह के स्ट्रैप्स है, स्ट्रैप्स सबके सेम ही है लगभग, मीशो के जो भी बैग्स हैं और लेदर स्ट्रैप्स सब सेम ही हैं, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है, मीडियम कैटेगरी वाला है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है, बहुत ही अच्छा रहेगा, देखो आप जैसे येलो ड्रेस पहना है तो उसके साथ भी चल जाएगा। सो या दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड प्रिटी बैग, यू कैन गो फॉर दिस। ओके, सो नेक्स्ट बैग इज़ अगेन अ ब्लैक बैग, तो आप देख पाओगे कि मेरे पास काफ़ी ब्लैक बैग है, मुझे एंड घर पर सबको बेसिक ब्लैक ही पसंद है, बिकॉज सब पे चल जाता है, बट ये बेसिक है, बट देखो इसमें ये प्रिटी सा डिज़ाइन है, तो थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐड कर देता है। एंड ये अगेन स्लिंग बैग है, यहाँ पे एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, द सेम लेदर स्ट्रैप। स्टिचिंग भी देख सकते हो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगेन प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, एंड इसको आप ऐसे भी ले सकते हो एज अ हैंड बैग, ये तो रिमूव नहीं हो सकता है, सो इसको बस ले सकते हो ऐसे, तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा एंड आपको दो कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। एंड दिस
तो स्टिचिंग देख सकते हो एंड थोड़ा सा ये क्रीज भी हो रहा है हल्का फुल्का। सो कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये तो नहीं कह सकते, बट ठीक है कुछ टाइम तो चल ही जाएगा। एंड इस हिसाब से ठीक है, इसमें से भी वो रबड़ी स्मेल आ रही है, रबर वाली। सो या दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट बैग, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाँ कलर्स भी हैं। एंड हाँ, मैंने जो भी बैग्स देखा है उसमें कलर्स होंगे, जिसमें होंगे मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप लिंक से जाके फिर चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी तक हमने 6 बैग देख लिए, जो सेकंड लास्ट बैग है द 7th बैग, विच इज़ दिस टोट बैग। बहुत ही प्रिटी कलर है इसका, और यहाँ पे शायद ब्रांड का नाम है CYW, एंड ये कैनवस मटेरियल है, थोड़ा सा जूट टाइप का। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे प्रिंट, एंड पीछे से ब्राउन कलर है, सेम मटेरियल एंड चेन मिल जाती है। सो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई थिंक ये 250 का ही था, एंड इतने टोट बैग्स नहीं मिलते हैं मार्केट में। तो क्वालिटी एंड डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, ये दी ने मंगाया था, यहाँ पे पाइसेस लिखा है। इसमें कुछ दूसरे साइंस के भी थे, जैसे वर्गो सॉरी टॉरस एंड लीब्रा वाला भी था अभी तक मैंने देखा। एंड इसमें चेन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सारे टोट बैग्स जो होते हैं उसमें एक सिंगल बटन होता है जिससे सामान गिरने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, एंड इसमें एक और जिप है अंदर आपका कैश या फिर छोटा मोटा सामान रखने के लिए। सो आई थिंक आप कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो तो डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हो, और बेसिक से थोड़ा यू नो हटके है लेकिन काफ़ी सुंदर लगेगा, एंड अफोर्डेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। ओके, तो लास्ट बैग है हमारे हॉल का, वो मेरा पहला बैग था जो मैंने मीशो से मंगाया था। दिस इज़ द बैग, ब्लैक कलर का, एंड इसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट था, ऐसा हैंड बैग की तरह भी ले सकते हो। एंड इसमें स्ट्रैप्स भी आती हैं, थोड़ी सी पतली हैं बट ठीक ठाक हैं, ये रिमूव हो जाती हैं। तो ये रिमूव हो जाती हैं, देख सकते हो हुक है यहाँ पे, एंड ये पतली सी स्ट्रैप वाली स्लिंग है। तो इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको एज अ हैंड बैग ही प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसको बहुत बार यूज़ कर लिया है पर अभी भी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, एंड ये अंडर 200 का था, तो बैग की क्वालिटी सही में अच्छी है आई थिंक मीशो की। लंबे टाइम के लिए चल जाती है, इतने अफोर्डेबल वाले भी, एंड इसमें 3 चेन्स मिलते हैं, तो आप अच्छे से स्टोरेज रख सकते हो इसमें, बहुत सारा सामान आ जाएगा। एंड बैग मटेरियल वही है, कॉटन पॉली कॉटन सिंथेटिक वाला, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एंड इसे अपने साइड चेन मिल जाता है, एंड बाहर की तरफ कोई भी चेन नहीं है, इट्स बेसिक एंड स्टिचिंग देख सकते हो। एंड यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा हुआ है थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको सेकंड वाले इस वाले बैग में दिखाया था, तो देख सकते हो आप। सो या दिस वाज द लास्ट बैग, थोड़ा सा फॉर्मल लुक है इसका, या उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। सो या दिस वाज माय हॉल, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड मेरा चैनल चैलेंज भी साथ में ही चल रहा था, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, आसान था, अच्छे से मेरे भालू को होल्ड करके रखा है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, थैंक गॉड, मुझे लगता कि बार बार ये ड्रॉप या फॉल ना हो जाए। तो मैंने सक्सेसफुली चैलेंज भी कर लिया एंड हॉल वीडियो भी कर लिया, आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अपना फेवरेट बैग इन सारे बैग्स में से कमेंट में बताना, एंड डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।